इसमें हम अमित शाह की गोहाना में होने वाली रैली स्थल पर हैं और आप देख सकते हैं कि मौसम खराब है और बूंदाबांदी हो रही है और मौसम विभाग ने भी जो अलर्ट जारी किया था कि आज 1 बजे के बाद जो गोहाना और आसपास जो बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी के कार्यकर्ता इस रैली में अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचे। अमित शाह की रैली का जो 12 बजे का समय था, लेकिन अभी 1 बजने का है और जो कार्यकर्ता है काफी पूरे जोश से आज रैली स्थल में पहुंच रहे हैं। बारिश भले ही हो, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो पूरा नहीं हो रहा। कुछ कार्यकर्ता है वो भी यहाँ रैली पहुंच रहे हैं और जय श्री राम और जो बीजेपी है उस तरह के अमित शाह के वो नारे लगा रहे हैं। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह की तैयारी आई है और अमित शाह को देखने आए, कहाँ से आए? अवरोध तक से आए हैं। अब अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को सुनने के लिए आए हैं। बारिश आ रही है, काफी उत्साह नजर आ रहा कार्यकर्ताओं में। बहुत ज्यादा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने हर एक कार्यकर्ता को फोन करके बुलाया है यहाँ पे। बारिश भी है, बारिश आ रही है। बारिश आओ तो कुछ आओ हमारे लिए, हमारे सेवक आ रहे हैं, पब्लिक के सेवक आ रहे हैं। हम काफी सिक्योरिटी भी यहाँ पर तैनात की गई है। आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता मोदी जिस तरह के यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो जो व्यवस्था है उसको लेकर भी जो पुलिस व्यवस्था यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब जय श्री राम और मोदी के नाम ये नारे लगा रहे हैं और काफी कह सकते हैं आप देश की युवा टीम यहाँ पर रैली स्थल पर। कहाँ से आए हो आप? हम गोहाना तीर्थ राणा जी से, जो जिला सोनीपत के उसके दर्शन टीम है। पूरी सोनीपत की गोहाना की अमित शाह जी को जय श्री राम जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो है लोगों में काफी उत्साह है और उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो 20,000 लोगों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है और जो अब ये जो है पंडाल धीरे धीरे कह सकते बनना शुरू हो गया है। गोहाना से हरियाणा तक के लिए मैं सुरेंद्र सिंह।